Welcome to the online lecture of Sharad Vimore English High School. Okay, yesterday we have started with practice set 5.2 and take question number 4 we have completed. Now next question, question number 5. What is given here in the fifth question? Find the ratio in which point P, coordinates of point P are K and 7, divides the segment joining A, having the coordinates 8 and 9, and B, the coordinates are 1 and 2. Also find K. Now, here, आपको given है, K एक point P है, जो एक particular segment A, B, को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है जो रेशियो है डिवीजन का रेशियो वो गिवन नहीं है ठीक है सो दैट यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन आल्सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हियर यू कैन सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज के एंड 7 है ना के और 7 है सो के इज द वेरिएबल हियर तो के की वैल्यू भी फाइंड करना है तो बट आपको फर्स्ट क्या करना है फर्स्ट स्टेप में रेशियो फाइंड करना है एम इज टू एन की वैल्यू फाइंड करना है आफ्टर दैट के की वैल्यू फाइंड करना है ओके सो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है आप लोग वो लिखेंगे आफ्टर दैट विल स्टार्ट फाइंडिंग द रेशियो दैट इज एम इज टू एन ओके फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन टू यू ओके 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 गिवन पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर के एंड 7 After that, this line joining the points A and B. Point A ke coordinate kya hai? 8 and 9. Coordinates of point A is 8 and 9. After that, point B ke coordinates hai 1, 2. Okay. So, we have to find the ratio. So, let us suppose the ratio in which the point P divides the line segment AB is M is to N. Okay. So, let P divide the segment AB in the ratio M is to N. Okay. So now by section formula. Okay. Again, we are going to use the section formula. So what is the section formula? वी नो आपको पता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हो आप एम इंटू एक्स वन प्लस एम इंटू एक्स टू अपॉन एम प्लस एन एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग एम इंटू वाई वन सॉरी वाई टू प्लस एम एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन राइट सो बट हियर आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो गिवन है के फॉर्म में मतलब वेरिएबल फॉर्मेट में है ना तो आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे आपको वाई की गिवन है यस रशाद व्हाट हैपेंड आपको y की वैल्यू गिवन है सो आप क्या करोगे y के लिए 7 ये यूज करोगे कि सो y इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है m इनटू ओके m इनटू y2 प्लस n इनटू y1 अपॉन m प्लस n ओके What I have written here, coordinates point P is k comma 7, A के coordinates है 8 comma 9 and B के coordinates है 1 comma 2. So उसके बाद मैंने लिखी हूँ let P divide the segment AB in the ratio M is to N. ये हम लोग ने suppose करे, okay? So next bisection formula, Y is equals to M into Y2 plus N into Y1 upon M plus N. Now here M and N की value आपको find करना है, but Y2, Y1 और Y given है, right? ये Y की value है ना? तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 नेक्स्ट स्टेप में आप सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू 7 7 इज इक्वल्स टू m इनटू y2 m की वैल्यू फाइंड करना है तो हम एज इट इज रखोगे y2 की वैल्यू क्या गिवन है ये x1 y1 है ये x2 y2 है राइट सो y2 की वैल्यू क्या है यू कैन सी हियर इट इज 2 राइट प्लस n इनटू y1 y1 की वैल्यू क्या है 9 सो हियर आई विल राइट n इनटू 9
नेक्स्ट एम अप एम प्लस एन, तो एम प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप एज इट इज रखोगे. ओके नाउ यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम अपॉन एन. ओके तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है उसको शिफ्ट करोगे इस साइड पे, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. मीन्स 7 इंटू एम प्लस एन इज इक्वल्स टू एम इंटू टू. एम इंटू टू विल गिव यू 2 टाइम्स एम, प्लस एन इंटू 9 मीन्स 9 टाइम्स एन. नाउ इट इज विजिबल. ओके सो अब आपको 7 को एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करना है. सो 7 इंटू एम 7m, मिडल साइन प्लस 7 इंटू एन 7 n is equals to 2 times n plus 9 times n. अब इसके पहले हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, राइट. अब आप क्या करोगे, सेम वेरिएबल वाले टर्म्स है उसको साथ में रखोगे, राइट. तो 7m के पास क्या करोगे आप, 2m को शिफ्ट करोगे, राइट. सो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस. सो ये क्या हो गया, 7m माइनस 2m is equals to 9n के पास क्या करोगे, 7n को शिफ्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बिकम माइनस. सो 7m minus 2m is equals to 9n minus 7n. Now 7 minus 2 will give you 5. 7 में से आप 2 minus करोगे, so आपको क्या मिलेगा, 5m is equals to 9n minus 7n. 9 minus 7 is 2. Okay, so it is 2m. अब आपको m upon n की value find करना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो m है यहाँ पे आप shift कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, multiply से divide. और ये 5 भी आप क्या करोगे, 2 के पास शिफ्ट करोगे. सो इट विल बिकम m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5. मीन्स आपको m इज टू n की वैल्यू मिल गई, देयर फॉर m इज टू n इज इक्वल्स टू 2 इज टू 5. नोट डाउन इट. ओके मीन्स यहाँ तक आपको क्या करना है, m इज टू n की वैल्यू फाइंड नहीं, तो वो मिल गई. बट नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड करने बोला हुआ है, p के जो कोऑर्डिनेट्स है k और 7, उसमें से जो k अननोन वेरिएबल है, तो उसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करना है, राइट. सो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अगेन यू विल यूज द सेक्शन फार्मूला फॉर एक्स वेरिएबल, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेक्शन फार्मूला है, आप वो वाला फार्मूला यूज करोगे और के की वैल्यू फाइंड करोगे. ओके सो आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:5. ओके हियर यू विल राइट द स्टेटमेंट, देयरफॉर P divides the segment in the ratio 2:5. Okay, समझ में आ रहा है अभी, P divides the segment in the ratio 2:5. Okay. अब ये फाइनल आंसर हो गया आपका. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको के की वैल्यू भी फाइंड करना है. सो फॉर टू राइट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, अगेन यू विल यूज द सेक्शन फार्मूला. ओके आप क्या करोगे, वापस से सेक्शन फार्मूला यूज करोगे. अगेन यू विल यूज द फार्मूला फॉर एक्स वेरिएबल, एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. यही है ना फार्मूला. अब अगेन आप इसमें क्या करोगे, एम और एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, जो अभी आपको मिली है. एक्स वन एक्स टू की वैल्यू गिवन है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, के है, के फाइंड करना है आपको. ओके नाउ एम की वैल्यू क्या है, हियर इट इज 2, राइट. सो यू विल राइट हियर इन प्लेस ऑफ एम, यू विल राइट 2. एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू 1 है. द वैल्यू ऑफ एन इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन इज 8. सो हियर यू विल राइट 2 प्लस 5. ओके नाउ सॉल्व इट, 2 वन जा 2, 5 एट जा 40, 2 प्लस 5 7, सो यू गॉट 42 अपॉन 7. नाउ 7 की टेबल से आपको क्या करना है, 42 को कैंसिल करना है. सो यू नो इट, 7 6 जा 42, सो देयरफॉर यू गॉट द वैल्यू ऑफ के एस 6. मीन्स आपको क्या मिली, के की वैल्यू 6. ओके सो आप लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के means the value of x coordinate is what, 6. Okay, at last you have to write the statement, therefore the value of
इज 6. ओके, ये आपका क्या है फाइनल आंसर. अंडरस्टूड प्रॉपरली? क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन. Question number 6. Find the coordinates of midpoint of the segment joining the points 22,20 and 0,60. So it's a very simple question. Aapko given hai do points. The coordinates of first point is 22 and 20 and the coordinates of second point is 0,60. Aapko find karna midpoint. So you will use simply the midpoint formula, that is to find the x coordinate x1 plus x2 upon 2. To find the y coordinate, we'll use y1 plus y2 upon 2. Simple है, आपको x1 की भी value given है, y1 की भी given है, means first coordinate, right? और x2 और y2 की भी value given है, means second coordinate. So use that coordinates, value of that coordinates and find out the midpoint. Okay? Second question number 6 में यही करना है आपको. Okay? So now let's solve the 6th question. Question number 6. फर्स्ट आपको गिवन क्या है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो आप अज्यूम करोगे लेट द फर्स्ट पॉइंट बी ए. ओके, एंड हैविंग द कोऑर्डिनेट्स 22,20. ओके, एंड B is having coordinates 0,60. Okay, so now you have to find the midpoint. Okay, so let x comma y be the coordinates of midpoint. Okay, be the coordinates of mid. Okay, now we'll use the midpoint formula. So I'll write here by midpoint formula. What is the formula? To find the x coordinate, you just need to write here x1 plus x2, right? x1 plus x2 upon 2. Now you will substitute the values of x1 and x2. x1 x2 kya hai? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट. सो आप x1 x2 की वैल्यू क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, मींस 22 + 0 अपॉन 2. ओके, एक्स इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 मींस 22 + 0 अपॉन 2. 22 + 0 = 22. नाउ 22 को क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है. सो 2 वन ज़ा 2 2 वन ज़ा 2. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एज 11. ओके, मिड पॉइंट जो फाइंड करना है आपको, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट, उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज 11. नाउ यू हैव टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट. सो टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट फॉर्मूला इज y1 प्लस y2 अपॉन 2. नाउ the given values y1 y2 ke coordinates kya hai given values mein, 20 and 16. So we'll write here 20 plus 16 upon 2. Now 20 plus 16 is 36. 36 upon 2. Now you have to divide 36 by the table of 2. 2 ones are 2 2 ones are 2, remainder kya hai 1. So आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, सो इट्स नाउ 16, राइट? सो 2 8 16, इट मीन्स यू गॉट द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट एज 18. ओके, सो
आपको क्या मिला, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 11 है, वाई कोऑर्डिनेट की 18 है। सो देयरफॉर यू विल राइट द स्टेटमेंट एट लास्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर 11, 18। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इज 11, वाई कोऑर्डिनेट इज 18। अंडरस्टूड प्रॉपरली? क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन। इन सेवेंथ क्वेश्चन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड फार्मूला। ओके, सेंट्रॉइड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला तो हो गया हम लोगों का सेगमेंट सेक्शन फार्मूला, सेकेंड था मिड पॉइंट फार्मूला, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फार्मूला क्या था, सेंट्रॉइड फार्मूला। सो दैट फार्मूला वी हैव टू यूज इन द सेवेंथ क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ओके, अब आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल्स के वर्टाइसेस गिवन है, थ्री वर्टाइसेस है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आपको उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सो यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन टू यू। इफ देर आर थ्री वर्टाइसेस गिवन टू अस, ओके, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, है ना, ये गिवन वर्टाइसेस है। एंड यू हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको, राइट, जैसे हम लोग ने इसके पहले फाइंड करे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट पार्ट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, एंड सेकेंड पार्ट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज एंड फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। So first I'll do and remaining second and third you have to try, okay? Okay, question number 7, first part, given vertices are minus 7, 6, next 2, minus 2, next 8, 5. So these are the vertices given to us. So first of all, we will assume that these points are A, B and C. You can take any of the variable, okay, P, Q, R, X, Y, Z, etc. So let point A having vertices minus 7, 6, okay. Then point B having vertices 2, minus 2. And point C is having vertices 8, 5. Okay, so accordingly we have the values of x1, x2, y1, y2, etc. Okay, so x1 ki value kya hai aapke paas, minus 7, y1 ki value hai 6, x2 is 2, y2 is minus 2, x3 is 8 and y3 is 5. Okay, ये वैल्यूज गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। सो लेट जी बी द सेंट्रॉइड। ओके, आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे लेट जी बी द सेंट्रॉइड हैविंग द वर्टाइसेस x, y। लेट पॉइंट जी हैविंग वर्टाइसेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y बी द सेंट्रॉइड। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सो टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आप सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करोगे। सो यू विल राइट हियर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, राइट। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। एक्स वन इज माइनस सेवन, एक्स टू इज टू,
x3 is 8 divided by 3, right? Now, add all these values. क्या करोगे? Add करोगे values. Y coordinates अभी required है हम लोगों को. Now, minus plus minus. 7 में से आप 2 minus करोगे तो आपको 5 मिलेगा. Bigger number की sign minus रहेगी, right? Now, again plus minus minus. 8 में से आप 5 minus करोगे तो आपको 3 मिलेगा. Bigger number की sign positive रहेगी as it is. So here you got 3 upon 3 means 3 and 3 will get cancelled. You got only 1. It means x coordinate is what? Therefore, value of x coordinate is 1. Clear? X coordinate की value मिली आपको 1. अब आपको क्या find करना है? Y coordinates find करना है. तो similar formula, y coordinate का formula क्या है? Y1 plus y2 plus y3 वो use करोगे आप, okay? So, y coordinate is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. Okay. Now, I'll substitute the values of y1, y2 and y3. y1 is what? 6. Then minus 2 and then 5. So, substitute the values. 6 plus minus 2 plus 5 upon 2. Okay. Now, plus minus minus. 6 minus 2, 4. Right? 4 plus 5 upon 2. Now, 4 plus 5, 9. So, it's now 9 upon 2. अब आपको क्या करना है? 9 को 2 से divide करना है. Sorry, here it's 3. Formula में 3 है. अब 9 को क्या करना है? आपको divide करना है 3 से. 3 1 is 3, 3 3 is 9. So, you got the y coordinate as 3. Means, आपको x coordinate और y coordinate की values मिल गई. So, therefore, आपका final answer क्या रहेगा? The centroid has coordinates 1, 3. Last में आपको statement लिखना है. Therefore, the centroid has coordinates 1, 3. Okay, understood properly. So here 7 question का जो first part है वो complete हो गया. अब remaining जो second और third है exactly same steps follow करना है आपको और solve करना है. Second and third question similar है, just values change हुई है. Okay, जो points है, point A, B and C. फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स के जो वैल्यूज है वो चेंज है. तो आपको क्या करना है? सेम प्रोसेस फॉलो करके सेकेंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Next question, question number 8. In triangle ABC, G is having vertices. Coordinates minus 4 minus 7 is the centroid. Okay, आपको centroid के coordinates की value already given है. If A minus 14 and minus 19, these are the coordinates, and B having coordinates 3, 5, then find the coordinates of C. So, here आपको centroid के coordinate given है और remaining 2 points के coordinates given है, right? 3 vertex होते हैं ना triangle में, तो आपको 1 and 2, first और second के vertex given है, centroid का vertex given है आपको, आपको जो third point है वो, आपको क्या करना है, x3 और y3 की value क्या करना है, find करना है, understood the concept,
आपको एक्स वन वाई वन गिवन है, एक्स टू वाई टू गिवन है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन है, आपको फाइंड करना है एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यू. ओके गॉट इट. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल ए बी सी में पॉइंट्स ए और बी की वैल्यू गिवेन है एंड जी की वैल्यू गिवेन है, राइट. सो ए इज हैविंग व्हाट वर्टाइसेस, ए जो वर्टाइस है उसके कोऑर्डिनेट्स है -14 -19, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 and 5, 3, 5 के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवेन है -4, -7 और आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. ओके सो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. तो आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे. सो लेट एक्स थ्री वाई थ्री बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. ओके बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी. ओके आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. अब गिवन क्या है आपको, सबसे पहले आप वो लिख लोगे यहाँ पे, एक्स वन इज इक्वल्स टू -14, वाई वन इज इक्वल्स टू -19, राइट. एक्स वन इज -14, वाई वन इज -19. सिमिलरली एक्स टू की वैल्यू गिवन है 3, वाई टू की वैल्यू गिवन है 5, राइट. एक्स टू इज 3 एंड वाई टू इज 5. एंड देन जी की वैल्यू गिवन है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू भी गिवन है, राइट. एक्स इज वॉट 4, -4, वाई इज -7. आपको एक्स थ्री और वाई थ्री फाइंड करना है, राइट. सो यू विल यूज द सेंट्रोइड फॉर्मूला हियर अगेन. सो टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, वॉट इज द फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन 3. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स. एक्स की वैल्यू क्या है, -4. सो हियर यू विल राइट -4. एक्स वन की वैल्यू -14 है, सो यू विल राइट हियर -14. प्लस एक्स टू की वैल्यू है 3 एंड एक्स थ्री आपको क्या करना है, फाइंड करना है. सो कीप इट एज इट इज. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल शिफ्ट द 3 टू राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम मल्टीप्लाई, राइट. -4 के साथ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. -14 प्लस 3 प्लस एक्स थ्री, -14 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 14 में से आप 3 माइनस करोगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 11. सो हियर यू गॉट -11 प्लस एक्स थ्री, राइट. सो when you will multiply 4 minus 4 with 3 you will get 4 3 is 12, minus ki sign aayegi -12, right. -12 is equals to -11 plus x3. ab aapko find kya karna hai, x3 ki value find karna hai. so aap kya karoge, x3 ko as it is rakhoge, shift karoge jo additional term hai wo -11, aap kya karoge 12 ke paas shift karoge, so it will become -12 प्लस 11, प्लस माइनस माइनस 12 में से आप 11 क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा और बिगर नंबर की साइन क्या रहेगी, माइनस. इट मींस यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री इज -1. एक्स थ्री की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1. नाउ अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगेन आपको वाई कोऑर्डिनेट के लिए यूज करना है, राइट. वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन 3. ओके सो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ वाई, वाई वन एंड वाई टू. वाई की वैल्यू क्या है, -7, वाई वन की वैल्यू -19 है एंड वाई टू की वैल्यू 5 है. वाई थ्री की वैल्यू फाइंड करना है, सो कीप इट एज इट इज. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, वाई थ्री की वैल्यू मिलेगी. नाउ 7 -7 के पास आप 3 को शिफ्ट करो, प्लस माइनस माइनस 19 में से माइनस करोगे आप 5 तो 14 रहेगा रिमेनिंग.
bigger number ki sign as it is. 7 threes are 21. 7 threes are 21. -14 + 3. अब बाय 3 की वैल्यू फाइंड करना है तो -14 को आप क्या करोगे, 21 के पास शिफ्ट करोगे. सो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस, 21 में से आप क्या करोगे, 14 माइनस करोगे तो आपको 7 मिलेगा. और बिगर नंबर की साइन नेगेटिव है, सो आपका आंसर भी क्या रहेगा, नेगेटिव. मीन्स आपको बाय 3 की वैल्यू क्या मिली, द वैल्यू ऑफ बाय 3 इज इक्वल्स टू -7. इट मीन्स सी, पॉइंट सी हैज द कोऑर्डिनेट्स -1 एंड -7. आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर सी हैज कोऑर्डिनेट्स -1, -7. अंडरस्टूड प्रॉपरली, समझ में आ गया. सो हियर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन